हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? होप यू ऑल आर गुड। आई एम योर रेनु मैम, ब्रेन रूट सीरीज बाय अमित पब्लिशिंग हाउस, देववाणी संस्कृत पाठमाला भाग चार, द्वितीय पाठ, षड अंधा, छह अंधे। उनके बारे में जानते हैं, कौन छह अंधे हैं? एकदा नगरे गज आगच्छत लोका गजम अपश्यन। एक बार एक नगर में हाथी आ गया, लोग हाथी को देखने लगे, ते गजम प्रशंसन, उन्होंने हाथी की प्रशंसा की। तत्र षड अंधा अपि आसन, वहां छह अंधे भी थे, ते गजस्य अंगानि अपि स्पृशन, उन्होंने हाथी के अंगों को छुआ। सर्वै अंधै निश्चितम, सब अंधों ने निश्चित किया, यह कोऽपि गजस्य यथार्थ स्वरूपाणि, यथार्थ स्वरूपं वर्णयति, सः अस्मासु श्रेष्ठः अस्ति। उन अंधों ने क्या कहा? उन्होंने कहा, हम छह में से जो भी इसके अंगों का अच्छे से वर्णन करेगा वो हम में सबसे श्रेष्ठ होगा। ऐसा छह अंधों ने ऐसा निश्चय किया। प्रथम अंध गजस्य दंतम स्पृशन, पहले अंधे ने हाथी के किसको छुआ? दांत को छुआ। द्वितीय अंध तस्य उदरम स्पृशन, दूसरे अंधे ने हाथी के उदर को यानी कि पेट को छुआ। तृतीय अंध तस्य गजस्य पादम स्पृशत, तीसरे अंधे ने हाथी के पैर को छुआ। चतुर्थ अंध तस्य कर्णम स्पृशत, चौथे अंधे ने हाथी के कान को छुआ। पंचमा अंध तस्य गजस्य लांगुलम स्पृशत, पांचवे अंधे ने हाथी की मूंछ को छुआ। षष्ठ अंध तस्य गजस्य शुंडम स्पृशत, और छठे अंधे ने हाथी की सूंड को छुआ। इस प्रकार छहों अंधों ने हाथी के अंगों का स्पर्श किया। तदा जना तान अंधान अवदन, तब लोगों ने अंधों से बोला, भो गजय की दशावृति, अरे बताओ हाथी कैसा होता है? तो प्रथमा अंध अवदत, पहले अंधे ने बोला, गजय प्रस्तर तरम समह भवति, हाथी बिल्कुल पत्थर की तरह होता है। द्वितीय अंध अवदत, गजय भित्तम भवति, दूसरे ने कहा हाथी दीवार की तरह होता है। तृतीय अंध अवदत, गजय स्तंभ स्वरूप भवति, तीसरे अंधे ने कहा हाथी खंभे की तरह होता है। चतुर्थ अंध अवदत, गजय व्यजन रूप भवति, चौथे ने कहा हाथी पंखे की तरह होता है। पंचम अवदत, गजय रज्जु समय भवति, पांचवे ने कहा हाथी रस्सी की तरह होता है, क्योंकि जिसने जिस जिस अंग को छुआ था वो वैसा ही बता रहा था। अंततः षष्ठेन उक्तम, लास्ट में सबसे बाद में छठे ने कहा, भवन्तः सर्वे अनृतम वदन्ति, सब बिल्कुल झूठ बोल रहे हो, गजः तु सर्प समय एव भवति, हाथी तो सांप की तरह होता है, क्योंकि उसने क्या छुआ था? हाथी की पूंछ को छुआ था। न तो प्रस्तर वित्तम स्तंभ व्यजन रज्जुरिव, ना तो वो पत्थर की तरह होता है, ना दीवार की तरह, ना खंभे की तरह, ना पंखे की तरह, और ना रस्सी की तरह, हाथी तो सांप की तरह होता है। एवं तेषाम अपूर्व निरीक्षण कौशलम ज्ञात्वा सर्वे ग्रामवासिनः भ्रशम विनोदम अनुभवम चिरम अहसंच। इस प्रकार जब सभी ग्रामीणों को अवलोकन में उनके अभूतपूर्व कौशल से, उनके अभूतपूर्व कौशल के अनुभव के द्वारा ये पता चला, तो वे बहुत खुश हुए। ते सर्वे गजस्य एकैक अंगस्य वर्णनम अकरत, उन सबने हाथी के एक एक अंग का वर्णन किया। न कोऽपि गजस्य संपूर्ण स्वरूपम वर्षायितुं समर्थो अभवत, कोई भी हाथी के संपूर्ण स्वरूप का वर्णन करने में समर्थ नहीं था, क्योंकि जिस जिसने जिस जिस अंग को छुआ था वो, क्योंकि अंधे थे, वो उसका ही वर्णन कर रहे थे। तो इस प्रकार हमने बच्चों देखा कि अंधों ने, छहों अंधों ने जिस जिस प्रकार हाथी के अंगों को छुआ वो उसको उसी प्रकार उन्होंने वर्णन किया, और बाद में वो अपनी इस बात पर ही हंस भी रहे थे कि हमने ऐसा छुआ, कान छुआ तो वे पंखे की तरह लगा, पूंछ छुई तो हमें सांप की तरह लगी। इस तरीके से वो सबने अपना वर्णन किया। पाठ में आए हुए कुछ वर्ड मीनिंग शब्दार्थ के बारे में जानते हैं बच्चों। शब्दार्थ है, पहला शब्द है इसमें लोका यानी कि संसार, प्रांशसन माने प्रशंसा करना, अस्पृशन माने छूना, वर्णयति माने वर्णन करना, दंतम दांत, उदरम पेट, लांगुलम पूंछ, शुंडम सूंड,
और प्रस्तरतम पत्थर जैसा, वित्तम दीवार और स्तंभ खंभा, व्यजन पंखा, रज्जु समय रस्सी जैसा और अनृतम माने झूठ। तो पाठ में आए हुए कुछ हमने शब्द और उनके अर्थ के बारे में जाना। एक्सरसाइज नंबर वन, बच्चों निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने हैं। दूसरे अंधे ने क्या छुआ? दूसरे ने छुआ चतुर्थ अंधा। किम स्पर्श? चौथे ने क्या छुआ? कर्णम। छठे अंधे ने क्या छुआ? लांगुलम। और पांचवे अंधे ने क्या बोला? सर्प। रज्जु समह एव भवति, रस्सी की तरह होता है हाथी। नेक्स्ट एक्सरसाइज है बच्चों हमारी, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है हमें। पहला रिक्त स्थान है लोका गजं अपश्यन्, ते गजस्य अंगानि अंगानि अपि अस्पृशत्। प्रथम अंध है गजस्य दंतम अस्पृशत्। डैश तु सर्पम समह एव भवति, गजह तु सर्प समह एव भवति। सर्वे गजस्य एकै अंगानि वर्णम कृतम्, एकैक गजस्य अंगानि वर्णम कृतम्। एक्सरसाइज नंबर थ्री है बच्चों, सही विकल्प चुनकर सही का निशान लगाना है। जैसे पहला है प्रथम अंध गजस्य अस्पृशत, क्या छुआ पहले वाले ने? दंतम उक्षरम यति पादम, पहले ने क्या छुआ? पहले ने दंतम। चतुर्थ अंध है गज अवदत, चौथे अंधे ने हाथी को क्या बताया? वित्तम या प्रस्तरम या व्यजन रूप बताया। प्रस्तर इति पदे उपसर्ग अस्ति, प्र यस्तः या अस्तर इसमें उपसर्ग है, प्र उपसर्ग है। तो इस प्रकार हमने बच्चों पाठ में आए हुए कुछ सही विकल्प चुनकर उनका सही उत्तर दिया। नेक्स्ट हमारी एक्सरसाइज है फिर, एक्सरसाइज नंबर फोर, वर्ण विच्छेद करना है इनका। आगच्छत आ धन ग प्लस च प्लस छ प्लस त, आगच्छत। दूसरा है स्तंभ, स प्लस त प्लस म प्लस भ प्लस अह, स्तंभ है ना। निरीक्षण, न प्लस छोटी ई प्लस र प्लस बड़ी ई प्लस क प्लस श श प्लस ण बराबर क्या हो जाएगा? निरीक्षण। संपूर्ण, स प्लस म प्लस प प्लस उ प्लस र प्लस ण क्या बनेगा? संपूर्ण। तो इस प्रकार हमने पाठ में आए हुए कुछ शब्दों का वर्ण विच्छेद किया। एक्सरसाइज नंबर फाइव है बच्चों, संधि विच्छेद करना है हमें। पहली संधि है यथार्थ स्वरूपम, यथा प्लस अर्थ स्वरूपम, यथार्थ स्वरूपम। दूसरा है निरीक्षण कौशलम, निरीक्षण निरीक्षण प्लस कौशलम। फिर है संपूर्ण स्वरूपम, संपूर्ण प्लस स्वरूपम। फिर है एकैक, एक प्लस एक क्या बनेगा? एकैक। तो ये इस प्रकार हमने पाठ, ये कुछ शब्द हैं जिनका कि हमने संधि विच्छेद किया। रचनात्मक कार्य है हमारा, एक्टिविटी है बच्चों। इस एक्टिविटी में हमें हाथी के विषय में पांच वाक्य लिखने हैं। आप हाथी का सुंदर चित्र भी बना सकते हो, उसमें कलर भी कर सकते हो और अपनी ड्राइंग शीट पर या कि A4 शीट पर हाथी का चित्र बनाकर उसके विषय में पांच वाक्य लिखिए। आप हिंदी में भी लिख सकते हो वाक्य, हाथी कैसा जानवर है, हाथी के कितने सींग होते हैं, कितने दांत होते हैं, उसके कान कितने होते हैं, हाथी कैसे चलता है, क्या खाता है हाथी, इन सब बारे में आप हाथी के बारे में लिख सकते हो। अब हम बच्चों आपने जाना हाथी के बारे में, छह अंधों ने किस प्रकार हाथी को छू कर उसके अंगों को स्पर्श करके अपना अपना अनुभव बताया। जिसने जिस अंग को छुआ उसने वैसा ही अनुभव बताया, तो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। यू एंजॉयड अ लॉट। सो वी विल सी यू सून नेक्स्ट पार्ट में, आपसे फिर मिलते हैं।
तब तक के लिए आभार।